हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सेकंड, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट एंड सेवन पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का। वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब जो हमारे पास जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कांस्टेंट है 3/7 प्लस का है, इधर ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का। x इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। हम जानते हैं कांस्टेंट पार्ट RHS में होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड की फॉर्म में, इसमें एलसीएम से हम सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेकर x इक्वल टू, इसमें एलसीएम क्या आएगा 7, डिनोमिनेटर में क्या है दोनों 7 7, तो एलसीएम 17 में से 3 माइनस करेंगे 14 अपॉन 7। 14 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 7 7 2 14, देन x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 को हम सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन में बोलते हैं, जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसे हम सॉल्यूशन में बोलते हैं। अब देखें इसको चेक करते हैं, हमारे लाइक आंसर राइट है या रॉन्ग है, चेक करते हैं हम। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, चेक कैसे करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जैसे यहाँ पर आई है x इक्वल टू 2, इसको वापस क्वेश्चन में पुट करने पर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो चेक करते हैं, क्वेश्चन हमारा है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, जो x की वैल्यू हमारे पास 2 है इसमें पुट करते हैं, हमारे पास 3/7 प्लस 2 इक्वल टू 17/7। अब 2 के अकाउंट में कुछ नहीं दिखा लगा सकते, पर यह एलसीएम लेंगे 7, तो यह आएगा 3 प्लस 7 टू 14 इक्वल टू 17/7। 14 प्लस 3 7, 17/7 इक्वल टू 17/7। हेयर LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो राइट है। तो हम यहाँ एक चीज लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, सो आवर आंसर इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। 6, 3/5 इक्वल टू 10। अब देखेंगे कॉन्स्टेंट हमारे पास 5 है, ये डिवाइड में RHS में डिवाइड वाला किस में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसको राइट करेंगे t इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5। अब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, इट मीन्स t इक्वल टू 50। अब इसे ही सॉल्यूशन बोलते हैं, यहाँ वेरिएबल t है तो इसका मतलब t इक्वल टू 50 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन। अब इसको चेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ चेक जो वैल्यू आई उसको क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं, t/5 इक्वल टू 10, पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 50/5 इक्वल टू 10, 50 में 5 का डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 50, 10 इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इक्वल टू 8। अब इसमें भी जो नंबर है हमारे पास, इट मीन्स कॉन्स्टेंट है, उनको ट्रांसफर करेंगे RHS में, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएंगे, x इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई अपोजिट साइन होगा, 18 × 3 अपॉन x इक्वल टू
अब देखिए जब 18 और 2 कैंसिल हो सकता है, 2 वन जा 2 एंड 2 9 जा 8, 9 3 जा 27, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 27। यहाँ वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 27। इट मीन्स ये सॉल्यूशन होगा गिवन क्वेश्चन, तो x इक्वल टू 27 का सॉल्यूशन भी क्या है गिवन क्वेश्चन। अब इसको भी चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, जो x की वैल्यू 27 है उसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे, LHS और RHS इक्वल है तो आवर आंसर इज राइट, अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स आवर आंसर इज रॉन्ग। चेक कर लें, 2 मल्टीप्लाई 27, अब तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो अपॉन में 3, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इक्वल टू 18, LHS इक्वल टू RHS। It means our answer x equal to 27 is right. Exercise 2.1 के बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई the result by 1/2, you get 1/8, what is the number? Language वाला question है, इसको according to the question ही हमें attend करना होगा। अगर कोई number हमारे पास given नहीं है तो हम उसे assume करेंगे, तो इसका solution देखते हैं। If you subtract 1/2 from a number, अब number तो हमें पता नहीं तो उस number को हम assume कर लेते हैं, let the number is x, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अटेंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम x, x वो नंबर है, x में से 1/2 माइनस करते हैं, x माइनस 1/2 नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अब जो ये रिजल्ट आया हमारे पास उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट इट मींस इक्वल, यू गेट 1/8 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 1/8, ऐसे अटेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको सॉल्व करना हमें आता ही, तो सॉल्व करते 1/2 को सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये 1/2 टू डिवाइड में तो किस में भेज सकते हैं उसको मल्टीप्लाई में, तो शॉर्ट बनाने के लिए हम x माइनस 1/2 एज इट इज राइट किया, ये डिवाइड में तो इसको RHS में किस में चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2/8, 1 × 2 क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2/8। अब ये देखो कैंसिल हो सकता है, 2 वन जा 2 एंड 2 फोर जा 8, यह आएगा हमारे पास 1x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब माइनस का 1/2 कांस्टेंट है, इसको RHS में ट्रांसफर करेंगे, माइनस का है तो किस में चले जाएंगे प्लस में, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 4 है तो LCM लेंगे 2 और 4 का, 2 और 4 का देखिए LCM क्या आता है 2/4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 वन जा 2, 2 जा अगेन 2 से 1, 2 × 2 4, तो 4 क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम जो हमारा 4 है उसमें डिनोमिनेटर 4 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एलसीएम वाले डिजिट में डिनोमिनेटर वाले डिजिट का डिवाइड करेंगे 4/2 2, ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 × 1, तो यह आएगा हमारे पास 1 × 1 1, 2 बन जा 2 अपॉन में 4, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3/4, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3/4, और x हमने क्या अज्यूम किया था वन नंबर, हैंस द नंबर इज, एक लाइन राइट करेंगे, हैंस द नंबर इज 3/4